बीजापुर जिले में सीआरपीएफ और कंपनी ए बटालियन की टीम ने माओवादी जनताना सरकार अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना तोयनार क्षेत्र का है। माओवादी सहायक आरक्षक की हत्या एवं यात्री बस में आगजनी की घटना जैसी बड़ी वारदातों में शामिल था। माओवादी विरोधी अभियान के तहत सीआरपीएफ और कंपनी ए बटालियन की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बलौदाबाजार जिले में चार युवक जान जोखिम में डालकर नाला पार करते समय बह गए। हालांकि तीन लोग जैसे तैसे बच गए, लेकिन एक युवक बह गया। वहीं युवक के बहने की जानकारी मिलते ही जवानों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई। महासमुंद जिले की बसना थाना पुलिस ने नौकरी की झूठी जानकारी देकर 10,60,000 रुपए दहेज लेकर शादी करने वाले आरोपी भरत साहू व उसके पिता घनसीराम साहू को धोखाधड़ी कर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर जिले के जैजपुर तहसील के दो पटवारियों को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर के निर्देशानुसार संयुक्त कलेक्टर ने दोनों पटवारी को निलंबित कर दिया। पटवारी संतोष कहरा व पटवारी विनोद दहरिये को शासकीय भूमि में कूट रचना तथा शासकीय रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जसपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र के ग्राम ननहेसर के पास स्थित ईब नदी के पुल पर अनियंत्रित बाइक नदी में जा गिरी। घटना इतनी भयावह थी कि दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर पहुंची और दोनों के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बलरामपुर जिले में रक्षाबंधन के दिन एक भीषण हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में एक अन्य बाइक सवार तीन युवकों को काफी चोटें लगी हैं और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस एक्सीडेंट के तुरंत बाद स्कॉर्पियो सवार सभी युवक मौके से फरार हो गए। कोंडागांव में रक्षाबंधन पर्व की खुशियां परिवार में उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब गुरुवार दोपहर को सिंगनपुर पेट्रोल पंप के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में संदीप टेकाम नामक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। रायगढ़ रेलवे स्टेशन में कोतरा रोड रेलवे फाटक के बीच रुकमणी विहार कॉलोनी के पीछे भूपदेवपुर से कोयला खाली कर वापस झारसुगड़ा की ओर जाने के लिए ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी, तभी जिंदल की ओर से आ रहा तेज रफ्तार इंजन अचानक टकरा गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंच गई। महाराष्ट्र की एक कंपनी से रायपुर के लिए भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से 22 लाख रुपए के सामान के गबन करने का मामला सामने आया है। ट्रक चालक ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर लाखों रुपए का सामान चुरा लिया और ट्रक को सुनसान जगह छोड़कर दोनों फरार हो गए। लवारिस हालत में मिली ट्रक में लोड सामानों का मिलान करने पर लाखों रुपए के सामान गायब होने की जानकारी मिली। कबीरनगर पुलिस ने महाराष्ट्र निवासी जाकिर शाह की रिपोर्ट पर चालक राशिद खान और खालिद के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। कोंडागांव जिले में तेज रफ्तार दो बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। घटना धनौरा थाना क्षेत्र के करार मेटा रोड की है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक की हालत गंभीर है। मृतकों में दो पुरुष और एक महिला शामिल है। सीएएफ 9वीं बटालियन के कंपनी कमांडर एम तिग्गा का शव गुरुवार को रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। सूचना पर सुपेला पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना की जानकारी परिजनों को दी है। रायपुर के गोगांव स्थित पानी टंकी निवासी पेशे से ट्रक ड्राइवर दीपक साहू नामक युवक को दो अज्ञात बदमाशों ने कबीरनगर इलाके में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने दीपक के सीने और पेट में चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद अज्ञात बदमाश मौके से फरार हो गए। रायपुर के टिकरापारा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के आरोप लगाकर अजय तांडी नामक युवक की पीट पीट कर हत्या कर फरार होने वाले तीन आरोपियों में से एक सोनू उर्फ आकाश महार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरसिवा थाना क्षेत्र के कुर्रा पंडरा
भट्टा मार्ग पर दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवती सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरधर निर्मलकर अपने साथी के साथ बाइक से कुर्रा से पंडरभाटा जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। अंबिकापुर मार्ग पर राजपुर के सरगुजा सर्विस स्टेशन के समीप स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर शिफ्ट करा दिया गया है। सरगुजा जिले की बतौली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की 17 मोटरसाइकिलों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी कर बतौली थाना क्षेत्र में कम दाम में बेचते थे। जमीन के बदले रोजगार की मांग को लेकर कोरबा जिले के कुसमुंडा में आंदोलन कर भू विस्थापितों ने SECL बिलासपुर मुख्यालय में अधिकारियों से चर्चा करने पहुंचे, जहां पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा मिलने से रोकने पर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से प्रतिनिधि मंडल कार्यालय के अंदर ही धरने पर बैठ नारेबाजी करने लगे। महासमुंद नगर के हृदय स्थल पर स्थित भारत पेट्रोल पंप के फ्यूल सेंटर इमदाद अली कासम अली पेट्रोल पंप को देर शाम अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया। सिविल सप्लाई विभाग के स्थानीय मार्केट इंस्पेक्टर नवीन बाग ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पेट्रोल पंप को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया। महासमुंद जिले के बसना स्थित बुलबुल ज्वेलर्स में अज्ञात चोर ने रात में प्रवेश कर 17 लाख रुपए मूल्य के गहने पार कर दिए। चोर ने दुकान के ऊपर छत के रास्ते प्रवेश किया, इसकी पूरी हरकत दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। उसने रेनकोट छाता व मास्क पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक में गांजा तस्करी करते हुए दो युवक को महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने गुरुवार को बालची चौक के पास से गिरफ्तार किया है। ये दोनों उड़ीसा से हरियाणा गांजा लेकर जा रहे थे, इनके पास से पुलिस ने 5 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजा की कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त कर लिया है। महासमुंद जिले के ग्राम कनेकेरा के सरपंच नीलकंठ साहू को चाकू मारने वाले आरोपी को साइबर सेल व कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक अपचारी बालक शामिल है। चारों थाना फिंगेश्वर के ग्राम खैर झिटी के रहने वाले हैं। आरोपियों ने पुराने विवाद के चलते सरपंच पर प्राणघातक हमला किया था। महासमुंद जिले की कोमखाना पुलिस ने NH-353 फॉरेस्ट नाका टेमरी के पास एक ट्रक से 13,525 किलोग्राम लोहे का कबाड़ जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 6,76,000 रुपए आकी गई है। वहीं पुलिस ने कबाड़ ले जाने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। पुरानी भिलाई 3 थाना क्षेत्र स्थित नगर निगम के सामने हाईवे पर बने अवैध मीडियन कट के जरिए सड़क पार कर रहे 2.5 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहे ट्रक के पहिए के नीचे आने से 2.5 साल के बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नाराज भीड़ ने ट्रक को रोक कर चालक की जमकर पिटाई कर दी। गुरुवार को नेशनल हाईवे 930 बालोद धमतरी मुख्य मार्ग पर धनोरा के पास अलग अलग स्थानों में हुए दो हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरूर में प्राथमिक उपचार के बाद धमतरी व बालोद रेफर किया गया। बालोद जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम चिचल गोंदी में रोड के किनारे खड़े 14 चक्का ट्रक का टायर अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिए। ट्रक मालिक युगल हिमांशु सोनकर को पता चलने पर चोरी की शिकायत अर्जुना थाने में की गई। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। राजधानी रायपुर में देर रात एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। शहर के फुंडहर चौक स्थित LSD कैफे से अनिंद्रा वर्मा नामक युवक को अगवा कर जय स्तंभ स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में एडिशनल SP के ऑफिस के नीचे ले जाकर रात भर मारपीट करने के बाद धमतरी रोड में युवक को गंभीर हालत में छोड़कर अपहरणकर्ता फरार हो गए।
बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 1 लाख का इनामी नक्सली जीतू मंडावी व सेतु कोरसा के ऊपर पुलिस उप महानिरीक्षक CRPF सुशील कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक बीजापुरच आजने वासने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदित्य पांडे के समक्ष पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया।